Hi everyone, welcome to Dr. Gunjan's classes. I'm Dr. Gunjan and today we are going to start with the part 9th of chapter number 4, that is carbon and its compounds. So ye class 10th ka 4th chapter hai, iska part 9th hum aaj karne wale hain. To 8 parts hum kar chuke hain and we are left with just one part. तो हम मैंने सारे के सारे पार्ट्स की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स दे रखे हैं सो काइंडली गो थ्रू दीज वीडियोस और वॉच दिस वीडियो ताकि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है, तो आज हम पार्ट 9th करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर पार्ट 9th वीडियो. सो इसमें हम लोग सेकेंड इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड भी बहुत इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम देखने वाले हैं. तो सबसे पहले इसका नेमिंग देख लेते हैं हम लोग. मॉर्गन क्रिएचर हम कर चुके हैं तो नेमिंग में हम देख लेते हैं. तो इसमें कितने कार्बन कंपाउंड है? दो. क्या आएगा? इथेन, है ना? इथेन, ई टी एच, इथेन, है ना? अब जो ई है, ई इसलिए नहीं मैंने लगाया बिकॉज यहाँ पे O डबल ओ एच ग्रुप है ना, यानी कि ओइक एसिड. कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो ओइक एसिड. इथेन ई हटा दीजिए, पीछे लगा जाएगा हमारा ओइक, ओइक साथ में एसिड, तो इथेनोइक एसिड क्या बन गया? इथेनोइक एसिड. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इथेनोइक एसिड इस तरह का दिखने वाला एक लेबोरेटरी एजेंट है. ठीक है, इसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड भी है और इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है. ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट में ये फ्रीज कर जाता है, तो इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड का नाम दिया जाता है. ठीक है, अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं. तो ये कलरलेस, आप देख सकते हैं, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड, इट्स लाइक पंजेंट है इसकी स्मेल ना, सो इट्स अ कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड. ये भी वाटर के साथ मिसिबल है, सारे के सारे प्रोपोर्शन में ये मिक्स हो जाता है. ये ब्लू लिटमस टू रेड कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये एसिड है, इसको एसिटिक एसिड कॉमनली कहा जाता है. ये विनेगर में भी प्रेजेंट होगा. विनेगर तो सबने सुना होगा, हम लोग खाने की चीजों में विनेगर को यूज करते हैं. तो जो 5-8% होता है इथेनोइक एसिड पानी में जब प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग विनेगर बोल देते हैं. ठीक है, तो अब आप सोच के देखिए, वैसे हमें पता ना हो इथेनोइक एसिड क्या होता है, बट इसके यूज हमारी रूटीन की लाइफ में पड़ रहा है. विनेगर, विनेगर क्या है? हम खाते हैं, हम खाने की चीजों में कितना यूज करते हैं विनेगर. अचार वगैरह में विनेगर डाला जाता है, नूडल्स वगैरह बनाते हैं आजकल, तो नूडल्स में आप लोग विनेगर का यूज करते हैं. ठीक है, सो विनेगर इज यूज इन सो मेनी थिंग्स. सो बिकॉज इट्स अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, तो विनेगर बनता कैसे है? हमारे इथेनोइक एसिड से. जब इथेनोइक एसिड की 5-8% वैल्यू वाटर में मिक्स कर दी जाती है तो वो विनेगर बन जाता है. और ये मेल्टिंग पॉइंट जो प्योर इथेनोइक एसिड का होता है, दैट इज 290 केल्विन. ओके, सो दीज आर अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इथेनोइक एसिड. और ये इथेनोइक एसिड दिखता ऐसा है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का है. सी बॉन्ड पे डबल बॉन्ड ओ ओ एच ग्रुप लगा होता है. ठीक है, और ये सी एच थ्री इधर एड हुआ है. देन कम्स दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इथेनोइक एसिड. सो इथेनोइक एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस पार्ट की एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को लिखिए, होती क्या है. तो वो ये नहीं बताएंगे कि आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में इथेनोइक एसिड की आपने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी थी. दे कैन आस्क यू डायरेक्टली व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, राइट इट डाउन. सो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? जब इथेनोइक एसिड हमारा अल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एज अ कैटलिस्ट, तो एक बहुत ही स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको एस्टर बोला जाता है. क्या बोला जाता है? एस्टर. तो जब ये प्रोड्यूस होता है तो ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बन जाता है. सो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स बाय रिएक्टिंग द एसिटिक इथेनोइक एसिड विद द इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 विच एक्ट एज अ रीएजेंट. ठीक है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम करता है और ये दोनों रिएक्ट करके यहाँ पे हमारा एस्टर बना देते हैं.
और वाटर रिलीज आउट कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और जो एस्टर्स हैं बहुत ही स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, इस तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने ये आपको पिक्चर दे रखी है, इस तरह से एस्टर प्रोड्यूस होता है। और ये जो होता है ना, ये परफ्यूम्स, जितने आपके परफ्यूम्स आते हैं स्वीट स्मेलिंग से, परफ्यूम्स आते हैं ठीक है, जितने भी फ्लेवरिंग एजेंट्स आते हैं, सब में जो स्वीट स्मेलिंग एजेंट होता है हमारा, वो एस्टर होता है। वो बनता कैसे हमारा, एसिड और जब एल्कोहल रिएक्ट करके एस्टर फॉर्म करते हैं ठीक है। सो दिस इज हाउ एस्टर इज फॉर्म एंड हाउ इट इज यूज इन अवर डेली लाइफ। देन अनदर रिएक्शन इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। मुझे बताइए सेपोनिफिकेशन रिएक्शन का क्या मतलब है? सेपोनी के मतलब से मतलब सोप की फॉर्मेशन करना। तो जिसमें एस्टर्स जब रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो अल्कोहल बनाते हैं और सोडियम सॉल्ट बना देते हैं। किसका? इसका सोडियम इथेनोएट। तो ये बन जाता है हमारा सोप। तो जब हमारा ये जो एस्टर बाहर पीछे फॉर्म हुआ था, ये वाला एस्टर जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करता है अंडर द कैटलिस्ट H2SO4, तो ये बनाता है, एक तो इथेनॉल फॉर्म कर देता है वापस से, अल्कोहल बना दिया, दूसरा उसने सोडियम सॉल्ट बना दिया। किसका? इथेनोएट का, सोडियम इथेनोएट। जब सोडियम इथेनोएट जो होता है, ये क्या होता है? सोप। इट इज कॉल्ड एज सोप। क्या इसको कॉमन नेम सोप है। सोप तो आपको पता है कितना यूज है हमारी लाइफ में। तो आप सोप की प्रोडक्शन देखिए किस तरह से होती है। जो हमारा एस्टर है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस के साथ रिएक्ट करके कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में सोप की फॉर्मेशन कर देता है। तो ये रिएक्शन भी आ जाती है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आपको पता लग गया कि अब हमारा इथेनोइक एसिड का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी इंडस्ट्री में। तो उसके जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, फर्दर उससे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। देन इस रिएक्शन जब ये कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है, तो एक तो ये सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और वाटर फॉर्म करता है। तो आप देखिए इथेनोइक एसिड जब Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा, तो सोडियम इथेनोइड बना दिया इसने, है ना, वाटर बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी। पहले तो एस्टर बना, है ना, एस्टर ने NaOH के साथ बन के फिर सोडियम इथेनोइड बनाया, डायरेक्ट भी बना देता है इथेनोइक एसिड Na2CO3 के साथ रिएक्ट करके भी इसने सोडियम इथेनोइड बना दिया। इथेनोइक एसिड ने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके भी सोडियम इथेनोइड बना दिया, वाटर रिलीज कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर दी। सो दिस इज हाउ सेपोनिफिकेशन रिएक्शन अकर्स ठीक है। सोप की फॉर्मेशन इस तरह से होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज जो वेरिएशन आती है हमारी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में, वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। इथेनॉल एक स्वीट प्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, जबकि इथेनोइक एसिड आप अपने आप में बहुत ही पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लोअर है, 351 केल्विन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन है। ये अकेला हाइड्रोकार्बन है जो पानी में सॉल्यूबल है इन ऑल प्रोपोर्शन, जबकि ये भी वाटर में मिसिबल है इन ऑल प्रपोर्शन ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। और दिस नाउ द ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज क्या वेरिएशन आती है। ये प्रोड्यूस नहीं करता ब्रिस्क एफर्वेसेंस जब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस एकदम से बबल जो ब्रिस्क आते हैं वो नहीं प्रोड्यूस करता इथेनॉल, डज नॉट प्रोड्यूस, जबकि इथेनोइक एसिड ब्रिस्क एफर्वेसेंस प्रोड्यूस करता है जब वो सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट से बोल सकते हैं, जब इसको प्रोड्यूस करता है, जब इससे रिएक्ट करता है, तो वो एफर्वेसेंस प्रोड्यूस करता है। व्हाई दे प्रोड्यूस एफर्वेसेंस, ये हमने पहले भी पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। तो इस रिएक्शन में देखिए जब इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट बनाता है, सोडियम इथेनोएट बना दिया, वाटर बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ द इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। सो दिस इज अबाउट दिस पार्ट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद यू एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन टॉपिक, दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले। सो आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग वॉचिंग दिस वीडियो
And if you like this video, then please press the like button and share this video with your friends. And don't forget to press the subscribe button, because after subscribing my channel, you will get the notification for the further videos. So thank you so much. Bye-bye. Take care. See you tomorrow.